हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर अंकित सेरेफिक डेंटल से। आज हम ये बात करने वाले हैं कि दांतों में की जाने वाली फिलिंग जो आमतौर पर हम दो तरीके की होती है ऐसा देखते हैं। एक होती है चांदी के कलर की, मतलब सिल्वर कलर की, ब्लैकिश कलर की, जो ट्रेडिशनली हमने देखते आए हैं। दूसरी जो आजकल लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं वो ये है कि वाइट कलर की फिलिंग, मतलब दांतों के कलर की फिलिंग। इन दोनों ही तरह की फिलिंग में से क्या फिलिंग बेहतर है, कौन सी बेहतर है, कब कौन सी की जानी चाहिए और किसके क्या फायदे या नुकसान है, क्या कंपैरिजन है। दोस्तों, ट्रेडिशनली हम सभी चांदी की फिलिंग देखते आए हैं। चांदी की फिलिंग मतलब कि जो सिल्वर अमलगम फिलिंग होती है, ये बेसिकली एक मर्क्यूरी का अलॉय होता है जो कि पारा, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसका मेटल का एक प्रकार होता है जिसको कि हम दांतों के अंदर फिलिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वहीं हम अगर वाइट कलर की फिलिंग्स देखें तो किस मटेरियल की होती है, अगर हम ये देखें तो ये दो मटेरियल की होती है। एक होती है कॉम्पोजिट मटेरियल, जो कि एक तरह का रेजिन होता है, मतलब कि एक क्ले जैसा मटेरियल होता है जिसको कि हम जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं, और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर कलर की लाइट जब हम डालते हैं, आमतौर पर ब्लू कलर की लाइट होती है, जब हम उस पर डालते हैं तो वो क्ले सेट होकर के हार्ड हो जाती है और वो फिलिंग के रूप में वहां पर एस्टेब्लिश हो जाती है, स्थापित हो जाती है। दूसरा मटेरियल जो व्हाइट कलर फिलिंग का होता है वो होता है जीआईसी, मतलब ग्लास आइनोमर सीमेंट। ये जो जीआईसी सीमेंट है, ये दांतों में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे कॉमन सीमेंट है, जो जिसमें की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत अच्छी खासियत होती है दांतों को सड़न से बचाने की। और वहां पर ये फिलिंग, उस जो भी कैविटी आपके दांत में है उसमें ये जब मटेरियल डाल दिया जाता है तो वो वहां पर दांतों को आगे सड़न से रोकती है और उस गड्ढे को भर देती है। तो ये होती है जीआईसी सीमेंट। इन दोनों में कॉम्पोजिट दिखने में ज्यादा बेहतर होता है, जो कि दांत के शीट से एग्जैक्ट मैच हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि वहां फिलिंग की भी है। जीआईसी कंपैरेटिवली दिखने में उससे उन्नीसा कह सकते हैं, लेकिन सड़न से बचाने में जीआईसी कॉम्पोजिट से बेहतर है। तो ये हमने बात की मटेरियल की। इसके बाद हम बात करें कि इन फिलिंग्स को करने के तरीके में क्या फर्क है। तो दोस्तों, सिल्वर फिलिंग के लिए, मतलब चांदी की फिलिंग के लिए, वहां पर जितना भी डिकेड पार्ट है दांत का, सड़ावा पार्ट है दांत का, वो निकालना है। निकाल करके वहां पर एक पर्टिकुलर शेप की कैविटी बनाना है। एक पर्टिकुलर साइज और शेप चांदी की फिलिंग को चाहिए होता है वहां पर टिके रहने के लिए, नहीं तो कुछ समय में वो निकल जाएगा। जबकि व्हाइट कलर की फिलिंग्स में ये प्रॉब्लम नहीं है, टूथ कलर्ड फिलिंग्स में ये इशू नहीं है। वहां पर सिर्फ डिकेड पार्ट निकालना है और उसमें हमें ये फिलिंग कर देना है। तो हमें कम दांत कट करना पड़ता है व्हाइट कलर्ड फिलिंग्स में, जबकि चांदी की फिलिंग में ज्यादा बड़ी कैविटी हमें बनाना पड़ती है, ज्यादा नेचुरल दांत को हमें कट करना पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पेन किसमें ज्यादा होता है। सबसे पहला क्वेश्चन पेशेंट के या किसी के भी जहन में यही आता है कि इसमें दर्द कितना होगा। तो दर्द दोस्तों, चूंकि ज्यादा कट हमें चांदी की फिलिंग में करना है तो ज्यादा चांसेस हैं कि हमें सेंसिटिविटी या पेन जैसा फील हो। हालांकि जब हम दांत की नस से दूर होते हैं, बल्ब से दूर होते हैं, तो इसमें भी पेन तो नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो व्हाइट कलर्ड फिलिंग्स में पेन का चांस कम है और चांदी की फिलिंग में पेन का चांस ज्यादा है, क्योंकि इसमें बड़ी कैविटी है। हो सकता है कि कैविटी बनाने में हम जो है दांत की नस के करीब पहुंच जाए तो पेशेंट को सेंसिटिविटी या पेन इससे हो। इसके बाद बात करते हैं कि ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी ट्रेडिशनली हम ये मानते आए हैं कि चांदी की फिलिंग में ज्यादा है, ऐसा हम ट्रेडिशनली समझते आए हैं सालों साल के दौरान कि चांदी की फिलिंग ज्यादा लंबा साथ देगी। पर आजकल इतनी अच्छी जनरेशन की व्हाइट कलर फिलिंग्स मार्केट में अवेलेबल है, इतनी अच्छी कंपनी जिसको इतने अच्छे एडवांस लेवल पर बना रही है इन व्हाइट कलर फिलिंग्स के मटीरियल को, कि ऐसा मैं कहूंगा कि इनमें भी सालों साल की ड्यूरेबिलिटी हमें मिलेगी। तो वो इशू बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी का आजकल नहीं मानना चाहिए। दोनों ही फिलिंग्स अगर अच्छे से की जाए तो लंबा साथ देगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें से अगर मान लीजिए कोई फिलिंग टूट जाती है तो उसका रिपेयर करने पे कैसे क्या होगा। दोस्तों, अगर चांदी की फिलिंग टूटती है या कुछ उसका पार्ट डैमेज होता है तो वो पूरी निकालनी पड़ेगी। पूरी निकाल करके, पूरी साफ करके, दोबारा उस कैविटी को अच्छा शेप दे करके वहां पर नए सिरे से वो फिलिंग करना पड़ेगी। जबकि व्हाइट कलर फिलिंग्स में ऐसा नहीं है, जितना पार्ट डैमेज हुआ है बस उतना ही पार्ट आप आसानी से वहां पर आपका डेंटिस्ट जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। दोबारा से पूरा निकालना है, पूरी कैविटी बनाना है
ऐसा करने की जरूरत यहाँ पर व्हाइट कलर्ड फिलिंग्स में नहीं पड़ती है। इसके बाद एक बात और होती है जो हमें जानना जरूरी है फिलिंग से कंपैरिजन में, कि जो फिलिंग हमने की है, ये मान लीजिए दांत है, इसके ऊपर हमने फिलिंग यहाँ पर कर दी है, तो इन दोनों के बीच में से लीकेज हमारे फूड प्रोडक्ट्स का होने के चांसेस इसमें ज्यादा है। तो ये जो लीकेज होता है ये एक दो दिन, चार दिन या कुछ महीनों में अपना असर नहीं दिखाता है, ये लीकेज कुछ सालों में जाके अपना असर दिखाता है। इसको बोलते हैं माइक्रो लीकेज, और इससे होने वाली जो वापस सड़न होती है इसे कहते हैं सेकेंडरी केरीज। अब ये लीकेज का चांस दोस्तों वैसे तो करने वाले पे डिपेंड करता है, ना कि फिलिंग मटेरियल पे। जितना अच्छे से वो फिलिंग की गई है, जितना अच्छे से फिलिंग करते हुए ड्राइनेस का ध्यान रखा गया है, और जितने व्यवस्थित तरीके से वहां पर शेप दे करके उस फिलिंग को टिकाया गया है, ये सब करने वाले की स्किल पे डिपेंड करता है और करने वाले के जजमेंट पे डिपेंड करता है। तो इसमें फिलिंग मटेरियल को बहुत दोष मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, रादर हम डेंटिस्ट से चेक करेंगे वो कितना अच्छे से वो काम को करेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल हम अगर इन पॉइंट्स को कंपेयर करें तो मैं ये कहूंगा कि चांदी की फिलिंग जो है वो सिल्वर अमलगम फिलिंग होती है, मर्क्यूरी का अलॉय होता है, जबकि हमारी जो व्हाइट कलर फिलिंग्स है ये कॉम्पोजिट और जीआईसी मटेरियल की है। करने का प्रोसेस करीब करीब सेम है, फर्क यह है कि चांदी की फिलिंग में कैविटी ज्यादा बड़ी कट करनी है, हमें ज्यादा बड़ी कैविटी बनानी है, और उसमें हमें ऐसा नहीं करना व्हाइट कलर फिलिंग्स में। पेन का बहुत खास कोई इशू नहीं है, लेकिन चांदी की फिलिंग में फिर भी चांसेस व्हाइट फिलिंग से ज्यादा है। ड्यूरेबिलिटी दोनों में अच्छी है अगर अच्छे से की जाए तो, रिपेयर चांदी की फिलिंग में पूरा निकाल करके होता है, जबकि यहाँ व्हाइट कलर्ड फिलिंग्स में जितना चाहिए उतना हो जाता है। तो मेरे हिसाब से व्हाइट कलर्ड फिलिंग्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं दिखने में, इसमें कोई दो मत नहीं है कि ज़्यादा खूबसूरत हैं। अच्छे से की जाए तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर फिलिंग की भी है। जो फिलिंग हमारा व्हाइट कलर्ड फिलिंग करने का मेन मकसद है वो यही है कि यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए कि फिलिंग की भी है, तो इस बात को बखूबी व्हाइट कलर फिलिंग्स निभाती हैं। अच्छे से की जाए तो पता ही नहीं चलना चाहिए कि वहाँ फिलिंग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों ही तरीके की फिलिंग्स के बारे में आपको समझ में आया। इसके बारे में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट seraphicdental.com पे आप देख सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फोन नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।